नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। बिजनौर में आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद भर में प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्य चौराहों और मार्गों से हटवाए अनाधिकृत बैनर, पोस्टर, होल्डिंग और बाल पेंटिंग। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मूसलाधार बारिश के बीच किया छाछरी मोड़ स्थित गो आश्रय स्थल का निरीक्षण, कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात में बनवारी पुल नहर की पुलिया पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, दो युवकों की मौके पर ही मौत, अन्य घायल। रेहड़ क्षेत्र के गांव दहलावाला में आधा दर्जन चोरी की घटनाओं और चोरों द्वारा ग्रामीणों को गोली मारने की घटना से क्षेत्र में फैली दहशत, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जनपद संभल के बहजोई में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया बैठक का आयोजन, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने समस्त पत्रकार बंधुओं को निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। संभल में अल अमीन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चेयरपर्सन प्रतिनिधि हसनैन शकील को सौंपा ज्ञापन। जनपद बिजनौर में हरेवली नगीना मार्ग पर मोड़ते समय मकान पर पलटा गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक, मकान का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, यातायात हुआ बाधित। मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर नूरपुर में निकाला गया विशाल नगर कीर्तन, नगर के विभिन्न स्थानों पर किया गया नगर कीर्तन का स्वागत। चांदपुर के केलनपुर स्थित लोकप्रिय इंटर कॉलेज में किया गया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को लगाई गई वैक्सीन। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद के राजनीति प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए सहयोग का आह्वान किया। जनपद बिजनौर के रेहण में स्थित पेट्रोल पंप राज अमृत फिलिंग पॉइंट पर केक काटकर मनाया गया ग्राहक सम्मान दिवस, आने वाले ग्राहकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट भेंट किए गए। अफजलगढ़ क्षेत्र गाँव भिक्कावाला स्थित स्कूलों में किया गया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं का कोविड से बचाव के लिए किया गया टीकाकरण। जनपद संभल के चंदोसी स्थित एक निजी स्थान पर किया गया उद्योग व्यापार मंडल की मासिक बैठक का आयोजन, नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जनपद बिजनौर के हल्दौर में किया गया प्रजापति समाज के कार्यक्रम का आयोजन, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अश्वनी प्रजापति का किया गया जोरदार स्वागत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए, अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर के नूरपुर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर नगर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का नगर में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कीर्तन में गुरु वाणी के शब्द कीर्तन नगर को भक्तिमय बनाते चल रहे थे। वहीं कीर्तन में शामिल अखाड़े के माध्यम से कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कीर्तन श्री गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ होकर मोहल्ला कबीर नगर, गोविंद नगर आदि मुख्य स्थानों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब में गुरु का अतूट लंगर भी बरताया गया। नगर कीर्तन में सिख समाज के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित किया।
नूरपुर से संदीप जोशी की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मूसलाधार बारिश के बीच छाछरी मोड़ स्थित गो आश्रय स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी गोवंश आश्रय स्थल में पाए गए तथा किसी भी पशु का बारिश के पानी में भीगता पाया जाना नहीं पाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को गो आश्रय स्थल में साफ सफाई रखने तथा गोवंश के लिए चारा पानी आदि की समय से व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने गौशाला के कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गोवंशों को किसी भी तरह की चारे की कोई कमी न हो जाए, साथ ही गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने पशु विभाग के चिकित्सक को मौके पर बुलाकर समय समय पर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर निकाय पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये ऐसा है कि हमारी सबसे रिमोट की गौशाला है, यहाँ करीब 400 के आसपास पशु हैं हमारे, जिनको ये देखने की आए थे कि हाँ वास्तव में पशुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, उनको खाने पीने की चारा है, पानी है, और उनके किनारे जो शेड बने हुए उनके किनारे हवा से रोकने के लिए पॉलिथीन लगाई गई है, नहीं लगाई है, बाहर तो जानवर नहीं घूम रहे हैं, पानी में तो नहीं है जानवर, कोई फंसे तो नहीं है, इसीलिए एकाएक आकर के देखा गया तो यहाँ व्यवस्था ठीक पाई गई है। इसको और बेहतर कैसे किया जाए, जानवरों को और कैसे पौष्टिक आहार मिले और वो स्वस्थ रहें और उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के बाद जनपद बिजनौर में प्रशासन सख्त हो गया। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक टीमों ने जनपद भर में मुख्य मार्गों पर भ्रमण करते हुए अनाधिकृत बैनर, पोस्टर और होर्डिंग आदि हटवा दिए। बिजनौर शहर में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर कुलदीप गुप्ता ने पुलिस टीम के साथ नगर के मुख्य मार्गों और चौराहों का भ्रमण करते हुए नगर पालिका परिषद बिजनौर टीम के सहयोग से अनाधिकृत बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर और बाल पेंटिंग्स आदि हटवाए और आचार संहिता को पूर्ण रूप से लागू करवाना सुनिश्चित कराया। वहीं दूसरी ओर जनपद बिजनौर के धामपुर में भी नगरपालिका परिषद की टीम ने आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नगर के नगीना चौराहा, सुभाष चौक आदि सहित अन्य मुख्य मार्गों और चौराहों का भ्रमण करते हुए चुनावी प्रचार के लिए लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटवाए। इसके अतिरिक्त जनपद बिजनौर के अफजलगढ़, नेटोर और नगीना में भी चुनावी आचार संहिता का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अनाधिकृत पोस्टर, बैनर आदि हटवाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में अलमीन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने संभल नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन प्रतिनिधि हसनैन शकील को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सदस्यों ने अपील करते हुए कहा कि नगर में जहां जहां कब्रिस्तान है वहां लाइटों तथा हैंडपंपों की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही नगर में अन्य स्थानों पर जहां जरूरत है वहां भी हैंडपंप और लाइटें लगवाकर नगर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाए, साथ ही कोरोना के दृष्टिगत नगर में सैनिटाइजर और साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाए। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र स्थित गांव धैलावाला में आधा दर्जन चोरी की घटनाओं और चोरों द्वारा ग्रामीणों को गोली मार दिए जाने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बीती रात गांव धैलावाला में अज्ञात चोरों ने गांव निवासी सूर्यपाल सिंह के निर्माणाधीन मकान से 30,000 रुपए की नकदी सहित सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इसके अतिरिक्त गांव में ही सराफत के घर से हजारों की नकदी, अबरार के घर से हजारों रुपए के कीमती कपड़े चुरा लिए, वहीं दो हेयर सैलून और दो दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। वहीं रात में करीब 2 बजे के समय चोर साबिर पुत्र मोहम्मद उमर के निर्माणाधीन मकान में घुसे। आहट होने पर परिजनों ने शोर मचा दिया और साबिर का छोटा भाई शोर करते हुए डंडा लेकर चोरों के पीछे भागने लगा। शोर सुनकर अन्य ग्रामीण भी चोरों की ओर भागे, जिसे देखकर चोरों ने साबिर के भाई वासिफ को गोली मार दी।
और हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुनीता दाहिया और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं गोली लगने से घायल युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ सुनीता दाहिया का कहना है कि शीघ्र ही घटना की जांच कराकर सभी का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन गौरतलब बात यह है कि पिछली चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश नहीं होने व लगातार बढ़ती घटनाओं से जहां एक ओर पुलिस को चुनौती देते चोर नजर आ रहे हैं, वहीं क्षेत्र में सनसनी फैली है। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई रात? रात दो आए थे, चोर आए थे, उनके बाद में हम उसके पीछे पड़े। पीछे पड़ने के बाद में ना है उसे उनको घेर लिया। घेरने के बाद में छोटे वाले भैया का हमारे यहाँ उसके गोली मार दी। जिनके गोली मारी है उनका नाम क्या है? मोहम्मद वासी। कहाँ पे पड़ती है वे? वे है काशीपुर गेट के। आपने घटना की सूचना पुलिस को दी थी? हाँ, सूचना दी थी। कौन कौन आए थे मौके पे? मौके पे सीओबीआई के एसओबीआई। रेहड़ स्थित पेट्रोल पंप राजअमृत फिलिंग पॉइंट पर इंडियन ऑयल की तरफ से केक काटकर ग्राहक सम्मान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पेट्रोल पंप पर आने वाले 100 से ज्यादा ग्राहकों को प्रेम का प्रतीक गुलाब का फूल और चॉकलेट तथा साथ आए बच्चों को टॉफी भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं पेट्रोल पंप स्वामी और कर्मचारियों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत ग्राहकों को मास्क भी वितरित किए गए। साथ ही सभी से कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस अवसर पर सेल्स ऑफिसर संजय डोबरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन ऑयल प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ग्राहक सम्मान दिवस के रूप में मनाता है। उन्होंने कहा कि ग्राहक का सम्मान व संतुष्टि कंपनी के लिए सर्वोपरि है। इस अवसर पर पेट्रोल पंप स्वामी और कर्मचारी मौजूद रहे। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। सम्मान दिवस ग्राहकों के साथ सम्मान पूर्वक पहले नमस्ते करें, फिर भरने के बाद ही इसका धन्यवाद कहें। ग्राहक सम्मान दिवस ये कि ग्राहक ही हमारा भगवान है, ये हमारा मंदिर है और ग्राहक की सेवा करना हमारा काम है। पूरा तेल, शुद्ध तेल देना ये हमारी पूजा है, इसलिए विशेषकर ग्राहकों का सम्मान करें। ग्राहक जब आए उनसे पूछे तेल कितना डलवाना है, कितने रुपए का डलवाना है, या फिर उनसे पूछे कि डीजल की गाड़ी है या पेट्रोल की। कभी कभी देखा जाता है कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल लग जाता है, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल लग जाता है, क्योंकि एक बहुत भयंकर भूल है। इसलिए पहले ग्राहक से पूछे, गाड़ियों में देखे, तब उसके बाद जो है ईंधन भर तेल डीजल की गाड़ी में डीजल, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालें और ग्राहकों का सम्मान करें, उनका अभिवादन करें, भरने के बाद उनका धन्यवाद करें। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ, आपको ये निर्देश दे रहा हूँ कि ग्राहकों का सम्मान पूरी तरह सम्मान किया जाए, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तेल भरने बाद धन्यवाद कहें, उससे पहले उन्हें नमस्ते कहें, अभिवादन जो भी है, आदाब सलाम जैसा भी जो भी व्यक्ति है उस तरह का उन्हें सम्मान दें। यही आज का हमारा देश है, ग्राहक दिवस मनाने का। बिजनौर जिला कलेक्ट्रेट में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को जिले में पूर्ण निष्पक्षता, शांतिपूर्ण और सुरक्षित और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के सहयोग में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और परस्पर सहयोग के साथ विधानसभा चुनाव को जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित और पारदर्शी रूप से संपन्न कराना है। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए सभी दल निर्वाचन से संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री हटाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव की सभी प्रक्रिया को पूरी समानता और पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव व पक्षपात के निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के हल्दौर में प्रजापति समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अश्वनी प्रजापति का समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में प्रजापति समाज के 60 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और किसी को भी उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो न्यायिक जांच कराकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने का काम किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबों को फ्री इलाज, महंगाई में कमी और अपराध पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर प्रजापति समाज के लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक घटक दल है भागीदारी पार्टी। तो हम लोग जातिवाद जनगणना के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के, नौजवानों का किस प्रकार से जो है सरकारी नौकरी दी जाए उस बात को लेकर के, फ्री इलाज को लेकर के, फ्री शिक्षा को लेकर के हम लोगों ने ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया हो, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना है और भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बना करके सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आपने भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 60 लोगों की मौत हुई जो प्रजापति समाज के थे और प्रजापति समाज के किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है, जबकि प्रजापति समाज के भी काफी विधायक भी हैं दो लोग और माटीकला बोर्ड के भी हैं। इन्होंने क्या किया? विधायक कहाँ है सब लोग? ये सब तो लूटर देता है। अरे इनकी जबान खींच लीजिए, अगर ये कुछ बोल दे अपने समाज के लिए, ये लूटर कहीं कुछ बोलेंगे? अगर इनके बस में कुछ होता तो 60 जो से अधिक जो प्रजापतियों की हत्याएं हुए हैं उसमें ये मुआवजा दिलाने का काम करते हैं, उसमें ये पीड़ित परिवार को नौकरी दिलाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन इन लोडरों के बस का कुछ भी नहीं है, ये खाली लोडर है, खाली लोडर। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।